भारत सरकार के गृह निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से महामेट्रो को एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गृह निर्माण और शहरी विकास हरदीप सिंह पुरी के हस्ते महामेट्रो की प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रजेश दीक्षित को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को उत्कृष्ट तरीके से लागू करने के लिए महामेट्रो का चयन किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया की ओर से देश के मेट्रो रेल प्रकल्पों में उत्कृष्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन अवार्ड के लिए प्रवेशिका मंगाए गए थे। तत्संबंधित जानकारी और प्रस्तुतिकरण लिखित स्वरूप में मांगी गई थी। वर्ष 2024 तक 50 शहरों में मेट्रो सेवा बहाल किए जाने की जानकारी केंद्रीय मंत्री गृह निर्माण और शहरी विकास हरदीप सिंह पुरी ने दी। भाषण में उन्होंने कहा कि शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 2030 तक यह आंकड़ा 60% तक पहुंच जाएगा। विश्व में ऊर्जा के कुल उपयोग में से 30% उपयोग केवल शहरी भाग की यातायात व्यवस्था पर होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था स्थायी कैसे रखी जाए, इस दृष्टिकोण से कार्य की रूपरेखा बनाई गई है। इसी अंतर्गत देश के 50 शहरों में वर्ष 2024 तक मेट्रो सेवा प्रारंभ होने का उल्लेख पुरी ने किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।